हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेटी, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये इतनी खस्ता और लेयरदार बनी है। देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। देखिए, अंदर की स्टफिंग भी आपको दिख रही होगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। आइए शुरू करते हैं पफ पेटी बनाना। बनाने के लिए हमने 3 कटोरी मैदा ली है। आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा जैसी भी आपको लेनी है। इसमें स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक, अजवाइन और ऑयल या घी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल और आप चाहें तो घी। मोइन के लिए ये हमने 3 चम्मच ऑयल डाला है। अच्छे से मिला लेंगे और हम पानी से इसका डो लगाएंगे, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा कड़क। हमने सभी चीज़ें मिला ली हैं। देखिए, अच्छा मोइन डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो लगाएंगे। ये मीडियम सॉफ्ट हमने आटा लगा लिया है, इसको ढक के रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। अब एक पैन में हमने ये ऑयल ले लिया है 2 से 3 चम्मच। इसमें हम डालेंगे पहले 1 चम्मच जीरा। अब इसी में हम डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी को अच्छे से सोटे कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी शिमला मिर्च, आप चाहें तो नहीं भी डालें। इसकी जगह आप और कुछ अपने पसंद की सब्जी डाल सकते हैं। हमने शिमला मिर्च ली है जिसको हमने बारीक काट लिया था। शिमला मिर्च के साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। आलू को बारीक पीस कर लें। उबालने के बाद में उबाल कर छिलका उतार कर और बारीक कर लिया है हमने आलू। लाएंगे अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले अपने टेस्ट के अनुसार डालें आप। ये 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसके चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं, मसाला भी अच्छे से कोट हो गया है सभी पे। इसमें लास्ट में ये धनिया पत्ती, धनिया मिला के इसमें पत्ती अच्छे से मिला के और इसका गैस बंद करके हम इसको ठंडा होने रख देंगे स्टफिंग को। पफ पेटीज को अच्छे से खस्ता और लेयरदार बनाने के लिए हम एक स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए ये मैदा में हम घी डाल रहे हैं, अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, ये पेस्ट बन के तैयार है। अब हम पफ पेटीज बनाना शुरू करते हैं। आटा चेक कर लेते हैं, स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हम लोइयाँ बनाएंगे। पहले आधे की बनाएंगे, आधा आटा ढक के रखते हैं। अब इसके पोर्शन काट लेंगे हम। छह पोर्शन बने, इनकी अब हम रोटी जैसी बेलेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़क लिया है सूखा और रोटी जैसी बनाएंगे। ऐसे ही सारी 6 बना लेंगे। 6 लोई बेलनी है। अब इन सभी पे हमने जो बनाई थी मैदे की और घी की सलेरी, वो लगा देंगे। चम्मच से नहीं लगेगी तो हाथ से लगाएंगे अच्छे से सभी जगह। लगा लिए। अब इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और ऐसे ही एक के ऊपर एक लगते जाएंगे लोइयाँ जो हमने बेली थी। अब इस पर वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ऐसे ही हम पूरी 6 की 6 लोई जो बेली हुई हैं वो एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। ये 5वें नंबर की थी। अब ये हमने ऐसे ही सारी एक के ऊपर एक रख दी। अब ये लास्ट वन अच्छे से चिपका देंगे और अब इसको बेल लेंगे सभी को।
ये हमने देखी इतना लंबा वेल लिया उन सभी को एक के ऊपर एक रख के, अब इस पर वापस से हम ये घी और मैदे की सलेरी लगा देंगे अच्छे से सभी में। लगा लिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे सूखा और इसको रोल करेंगे। रोल कर लिया, अब इसकी हम वापस से लोइयां काट लेंगे। तो इनको साइड में रख लेंगे, देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है। अब इसको ऐसे रख के और बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलें। बेल लिए, अब इसके साइड के कॉर्नर निकाल के हमें स्क्वायर शेप चाहिए, देखिए ये वापस से लोई में जोड़ लेंगे जो आटा है उसमें। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं, और साइड में पानी लगा लेंगे। अब साइड में पानी लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं कढ़ाई में जाके। और इसको चिपका देंगे अच्छे से, ये चिपका दिया है सब तरफ से। अब इसमें डिजाइन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं या प्लेन भी बना सकते हैं। ऐसे ही सारी तैयार कर लेंगे, बहुत ही अच्छी लेयर आई है। अब इसको हम दबा के ये अच्छे से दबा लेंगे और बेलेंगे। ये बोल बेल लिए, अब इसको हम स्क्वायर के लिए कॉर्नर से काट लेंगे। एक्स्ट्रा आटा जो आपका आटा बचा हुआ है उसमें मिला लेंगे। स्क्वायर मिल गया है, अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से स्टफिंग भर सकते हैं, बस ज़्यादा भी ना हो जाए अधिक से, नहीं तो खुल जाएगी, बाहर आएगी स्टफिंग। ये पानी लगा लेंगे, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दें जिससे कि खुले ना कढ़ाई में। वैसे ही हम उसमें भी डिजाइन बना देते हैं। आप एक बार बच्चों को बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार बनवाएंगे, इतनी खस्ता और इतनी टेस्टी बनती हैं ये। अब एक तरफ हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है, इनको बनाते भी जाएंगे और साथ में तलते भी जाएंगे। ये सारी पेटीज हमने बना ली हैं, अब हम इनको फ्राई होने के लिए ऑयल गर्म पहले से ही कर लिया है तो फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने छोटी सी लोई डाल के देखी थी, अब इसमें हम ये डाल देंगे। जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप डाल दें। और मीडियम फ्लेम पे ने अच्छे से तल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लेयर वाली पफ पेटीज बनके तैयार हो रही हैं। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं और दूसरा बेच इसमें फ्राई होंगे। देखिए तलने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, आपको लेयर भी दिख रही होंगी। ऐसे ही आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।